नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर ट्रेन दो हिस्सों में बटी। ट्रेन में बैठे यात्री चिल्लाने लगे, ट्रेन से कूदकर इधर उधर भागने लगे। उसके बाद जो हुआ वो देखकर और सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर ट्रेन दो हिस्सों में कैसे बटी, ये घटना कहाँ पर हुई, कितने लोग घायल हुए, क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस बड़ी दुर्घटना की बात करूं, तो ये दुर्घटना देहरादून से कोटा जा रही नंदा देवी एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान तेज झटके के साथ ट्रेन रुकी और यात्रियों को झटका लगा। इसके बाद ट्रेन के दो हिस्सों होने से पीछे के डिब्बे में बिजली और एसी बंद हो जाता है। यह घटना तब हुई जब देहरादून से कोटा जा रही नंदा देवी एक्सप्रेस भरतपुर और सीवर स्टेशन के बीच से गुजर रही थी। अचानक से एक बहुत बड़ा झटका आता है। यात्रियों को कुछ असामान होने का महसूस होता है। ट्रेन के रुकने पर यात्री डिब्बों से उतरकर देखा तो ट्रेन दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। ट्रेन का इंजन और कुछ डिब्बे आगे निकल गए थे, जबकि बाकी डिब्बे पीछे रह गए थे। अच्छी बात ये रही कि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, ऐसे में पटरी से नीचे नहीं उतरी, नहीं तो एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप का माहौल बन जाता है, जिसके बाद तुरंत रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और मरम्मत टीम को घटना स्थल पर भेजा जाता है। अलग हुए डिब्बों को वापस जोड़ा जाता है, जिसके बाद ट्रेन को फिर से रवाना कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग एक घंटे का समय लग जाता है। एक घंटे तक कुछ ट्रेनों को रोक दिया जाता है। यह घटना 13 अगस्त मंगलवार का है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल जाता है। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे के दौरान किसी भी यात्रियों को किसी प्रकार की चोट नहीं आती है, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक आम यात्रियों की जान जाती रहेंगी, रेल दुर्घटनाएं होती रहेंगी। बाकी इस दुर्घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।